तो गाइज आज हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं उज्ज्वल भाई को, यानी कि टेक्नो गेमर्स को। आप लोग सोच रहे होगे कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं उनको एक्सपोज करने वाला हूँ। तो देखो भाई, थोड़े टाइम पहले उज्ज्वल भाई की एक ये वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने क्रिएटिव यूज़ किया था। बस आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि उन्होंने किस तरह क्रिएटिव यूज़ किया था, एक्सपोज करेंगे उनको। और मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने उस वीडियो में क्रिएटिव यूज़ किया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे चेक किया ना, बहुत से अपने भाइयों को पता चल चुका था कि उन्होंने क्रिएटिव यूज़ किया है। तो बस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग वही देखने वाले कि उन्होंने कैसे क्रिएटिव यूज़ किया था और उनको एक्सपोज करेंगे। तो इस वाले एपिसोड में उज्ज्वल भाई को बनाना था म्यूजियम, तो नेदर की तरफ चले आते हैं कॉर्ड्स लेने के लिए। लेकिन उससे पहले उज्ज्वल भाई चले आते हैं अपने टूल्स के एक्सपी बढ़ाने अपने गोल्ड फार्म में। और आगे का मैं बताऊँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको क्लिप बता देता हूँ। स्क्वाड्स लेने से पहले जाने वाला हूँ मैं अपने गोल्ड फार्म पे अपनी एक्सपी बढ़ाने के लिए। और मेन काम एक्सपी बढ़ाना नहीं है, मेन काम है अपनी इस पिकेक्स को रिपेयर करना। एक बार उसकी हेल्थ देखो भाई, टूटने वाली है। और क्वार्ट्स ब्लॉक मतलब कलेक्ट करने के लिए उसकी एचपी एटलीस्ट हाफ तो चाहिए यार, बहुत सारे क्वार्ट्स ब्लॉक लेने होंगे। चलो गाइस, अभी मेरे सारे के सारे टूल्स एंड आर्मर रिफ्रेश हो। गाइस इस वाले फ्रेम में आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि उज्ज्वल भाई के सभी आर्मर और टूल्स ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, लोग का एक्सपीरियंस फुल हो चुका है। इस पे ध्यान देना भाई, अभी अगर इस पे ध्यान दोगे तो ये आगे का समय फटाफट से मुझे जाना होगा ढेर सारे नेदर। और गाइस अब यहाँ पे देखो उज्ज्वल भाई की एक्सपी 101 है अभी, इसको भी ध्यान में रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आगे उज्ज्वल भाई चले जाते क्वार्ट्स तोड़ने के लिए, बट तीनों शलकर पूरे के पूरे भरने हैं समझ लो क्वार्ट्ज ब्लॉक से। गाइस अगर मेरे पास भैंस की मारा किसने इधर निकलती है कैसे ये लगी कलेश कर रहा है। हाँ तो गाइस मेरे पास अगर फॉर्च्यून लगा होता ना पिकैक्स में तो ये डबल या ट्रिपल कलेक्ट होते, बट अभी ये सिंगल सिंगल कलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ अपनी पिकैक्स में ना फॉर्च्यून की एंचेंटमेंट लगा के आता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी क्वार्ट्स इकट्ठे कर पाऊँ। ओके तो ये रखा मैंने अपनी पिकैक्स को और ये डाला फॉर्च्यून और एक भैंस की मार। गाइस अभी देखो उज्ज्वल भाई का एक्सपीरियंस जो है वो 88 हो चुका है, क्योंकि उन्होंने फॉर्च्यून लगाने के कारण उनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो चुका है। अभी तक तो सब सही चल रहा है, लेकिन आगे देखना अभी क्या होता है। अभी उज्ज्वल भाई जाने वाले हैं नेदर में। तो अब देखो भाई साहब कितने सारे क्वार्ट्स एक ही बार में इकट्ठे होंगे, मेरे पास 31 थे एंड अभी मैंने से तोड़ना स्टार्ट करा है तो ये इकट्ठे हो चुके हैं सीधा 56। ठीक है, यानी अब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मेरे को मिलने ही वाले हैं। तो गाइस यार अभी आप लोगों ने देखा उज्ज्वल भाई ने एक स्टैक से भी कम क्वार्ट्स तोड़े, क्वार्ट्स ब्लॉक तोड़े, तो उनकी एक्सपीरियंस भी देखना अभी कितना स्पीड से बढ़ रहे हैं और उसको नोट करके रखना तो बढ़ रही है। तो अब देखो भाई साहब कितने सारे क्वार्ट्स एक ही बार में इकट्ठे होंगे, मेरे पास 31 थे एंड अभी मैंने से तोड़ना स्टार्ट करा है तो ये इकट्ठे हो चुके हैं सीधा 56। ठीक है, यानी अब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मेरे को मिलने ही वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक ओवर से। गाइस अभी मैंने बहुत क्वार्ट्स इकट्ठा कर लिया और शायद इससे ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और अगर बाय चांस कम पड़ता भी है तो मैं दोबारा इकट्ठे करने आ जाऊंगा, लेकिन मुझे और बोर नहीं होना है, सच्ची में बहुत बोरिंग काम था। ठीक है, फटाफट से भी मैं काम करता हूँ इसके अंदर जितना और एक्स्ट्रा है वो सारा भर देता हूँ। और अब फटाफट मेरे पास टोटल पता है 3 शलकर हो चुके हैं, 1-2 रेड वाला एंड ये ग्रीन वाला, ब्लू वाला भी खाली है उसमें ग्लास एंड थोड़ा। तो गाइस यार यहाँ पे आपसे बहुत से लोग समझ गए रहेंगे कि उज्ज्वल भाई ने क्रिएटिव कहाँ पर यूज़ किया है, जिसने थोड़ा सा भी वाइन कप खेला है वो भी समझ गया रहेगा कि उज्ज्वल भाई ने क्रिएटिव यूज़ किया है। नहीं पता चला है तो मैं बताता हूँ। देखो भाई अगर आप क्वार्ट्ज ब्लॉक तोड़ते हो ना तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, यानी कि एक्सपी मिलती है। तो आप देख सकते हो उज्ज्वल भाई की एक्सपी पहले कितनी थी और अभी उन्होंने माइन किया तो सिर्फ और सिर्फ 1 एक्सपी बढ़ी है। हालांकि उन्होंने उनके 3 सल्कर बॉक्स एक्सपीरियंस 3 सल्कर बॉक्स का क्वार्ट्स ब्लॉक से भर दिए थे, लेकिन फिर भी देख रहे हैं उनका एक्सपीरियंस खाली 1 बढ़ा है। हालांकि माइन अब में ऐसा होता है कि आप अगर फॉर्च्यून वो भी आपका फॉर्च्यून 3 लगी हुई आप अगर क्वार्ट्स तोड़ोगे तो आपके 88 से यानी कि 150 तक जा सकते हैं, लेकिन भाई उज्ज्वल भाई ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया अपना क्रिएटिव मोड और ले लिए 3 स्टैक भर के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनकी मैंडिंग लगाया होगा तो एक्सपीरियंस उधर गया होगा, लेकिन फिर देख लो भाई उन्होंने पहले ना पूरे अपने टूल्स रिपेयर कर लिया था, यानी एक्सपीरियंस हो गया था, लेकिन फिर भी और आप पहले की स्पीड देखो भाई, स्पीड से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस ले रहे हैं क्वार्ट्ज ब्लॉक को तोड़ने पर। तो अब भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उज्ज्वल भाई ने क्रिएटिव यूज़ किया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यार, उन्होंने पूरे 3 बॉक्स अपने क्रिएटिव में से क्वार्ट्ज से भर लिए क्रिएटिव में जाके।